गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम यहाँ फिर उपस्थित हैं कक्षा 2 से आपके अगले असाइनमेंट की चर्चा के लिए, जिसका शीर्षक है सवेरा। ये असाइनमेंट थोड़ा सा असाइनमेंट से डिफरेंट है। पहले 2 असाइनमेंट्स के अंदर आपको एक्सरसाइजेस दी गई थी, और ये वाला जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट के अंतर्गत मैडम ने आपको पार्ट 1 आपकी मधुक पाठ्य पुस्तक यानी कि हिंदी की टेक्स्ट बुक का पहला जो आपका है सवेरा, एक कविता है, उस कविता के बारे में कुछ अभ्यास दिए हैं। यह असाइनमेंट आपका 3रा असाइनमेंट था, जो कि 9 अप्रैल को आपको भेजा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस असाइनमेंट में हमें करना क्या है, और मैडम ने तो सब लिख के भेज दिया है। बेटू, ये असाइनमेंट जब आपके पास भेजा गया था, तब काफी सारे बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं थे, तो हमने क्या किया, इस असाइनमेंट के अंतर्गत, असाइनमेंट नंबर 3 के अंतर्गत आपको उस एक्सरसाइज, उस चैप्टर का पूरा कविता जो है लिख के भेजी है, ताकि आप उस कविता को लिख कर अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे और उसे दोहराएंगे। उसकी 8 लाइनें, जैसे कि आप नॉर्मली 8 लाइन 2 पैराग्राफ मैडम आपसे कभी श्रुत लेखन में डिक्टेशन में पूछते हैं, तो आप घर पे रह के भी स्टडी करोगे, आप रीड करोगे, उस पोएम को याद करोगे और उसको लिखने की कोशिश बिना देखे भी करोगे। तो पहला कार्य तो आपको ये करना था, क्योंकि बड़ी ही अच्छी पोयम थी, उदय हुआ सूरज पूरब में आसमान में छाई लाली, रही न रात ना अंधेरा रही न चंदा की उजियाली। तो इतनी प्यारी पोयम है, इस पोयम को आपको रीड करना था और अपनी राइटिंग में यानी कि हैंड राइटिंग प्रैक्टिस में लिखना भी था और उसकी कविता को याद करना था। और उसके अलावा इस असाइनमेंट में मैडम ने आपको दूसरा दिया था नए शब्द, इस कविता के अंतर्गत कुछ नए शब्द आए जो कि आपको स्पेलिंग के लिए याद करने हैं, नए, आसमान, अंधेरा, अंधेरा में चंद्र बिंदु है, चंदा जिसमें अम की बिंदी का प्रयोग किया गया है यानी अनुस्वर का प्रयोग है, उजियाली रोशनी, कलियां खिल जाती हैं, शीतल ठंडी और धीमी यानी मध्यम स्लो, ये सारे शब्दों को आपको याद करना है, नए शब्द के अंतर्गत लिख के याद करना है। ऐसा नहीं कि मैडम ने आंसर्स लिख के दे दिए हैं तो हमें क्या करना है, आपको ये सारे एक्सरसाइज अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। शब्द अर्थ दिए गए हैं, शब्द अर्थ में आपको उजियाली, उपवन, मंद, सुखदायी, 8 शब्दों के अर्थ हमने यहाँ पर इस असाइनमेंट में आपको दिए हैं। आपसे जब लाइव क्लास के दौरान भी डिस्कस किया गया था, तो किसी ने मुझसे मणिया शब्द का मीनिंग पूछा था, मणिया यानी उसके मोती। फिर यहाँ पर मनहर, सुनहरी, सुहानी, बहुत सारे शब्द दिए हैं, तो उन सारों के अर्थ हमें याद करने हैं। प्रश्नोत्तर की बात करनी है, प्रश्नोत्तर दिए हैं यहाँ पर आपको, प्रश्नोत्तर दिए हैं मैडम ने, 4 प्रश्न दिए थे। पहला प्रश्न दिया था सूरज किस दिशा से निकलता है, पूरब दिशा से, पूरी लाइन में हम आंसर लिखेंगे, सिर्फ 1 शब्द में आंसर नहीं लिखेंगे। दूसरा दिया था आसमान में लाली क्यों छा जाती है, जब सूरज निकलता है तो सूरज निकलने पर आसमान में लाली छा जाती है। उपवन क्यों महक रहे हैं, क्योंकि फूलों के खिलने के कारण सुगंध फैल रही है, तो फूलों की सुगंध से सारे उपवन महक रहे हैं। फिर दिया है हवा किस प्रकार बह रही है, हवा धीमे धीमे यानी मंद मंद बह रही है। ये प्रश्नोत्तर आपको लिखने हैं कॉपी में, याद करने हैं, खुद उसको बिना देखे लिखने का अभ्यास भी करना है। लास्ट वाला क्वेश्चन दिया था वचन बदले, आप वचन के लिए हमने आपको वीडियो मॉड्यूल भी भेजा था पहले, जिसमें आपको अलग अलग नियम समझाए गए हैं, और यहाँ पर जो वचन वाले आपको शब्द दिए गए थे, यहाँ एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी, जिसे मैंने शब्द दिया था कली, कली, तो यहाँ लास्ट में बड़ी की मात्रा आई है ला में, तो जब बहुवचन बनाएंगे तो वो कली का क्या बन जाएगा, कलियां, वो मात्रा बड़ी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें परिवर्तित हो जाएगी, छोटी में, और यहाँ लगा के चंद्र बिंदु। तो जो आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं इस असाइनमेंट में, वो सारे इसी नियम पर आधारित हैं, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट होगी और यहाँ के साथ चंद्र बिंदु, यही वाले सारे शब्द आपसे पूछे गए हैं। आपसे पूछा गया है घड़ी, तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, घड़ियां,
सारे बड़ी की मात्रा वाले शब्द किए गए हैं, लड़ी लड़ियां, छड़ी छड़ियां। इस प्रकार इस असाइनमेंट में आप कुछ नए शब्द सीखोगे, कुछ शब्दों के अर्थ सीखोगे और प्रश्नोत्तर दिए हैं जिनको लिखकर आप वाक्य रचना का अभ्यास करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इस असाइनमेंट के अंदर जो आपको करना है और याद रखना है वो है वचन परिवर्तन का नियम। सिर्फ उन पांच शब्दों को बदल के आपको ये नहीं सोचना है कि मैडम ने तो पांच ही शब्द दिए हैं, हमने उनको परिवर्तित कर लिया है, याद कर लिया, खत्म। नहीं, वो नियम याद रखना है कि बड़ी की मात्रा वाला शब्द जहां जहां आएगा तब उसका वचन परिवर्तित करते समय हमें छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट करना है और या के साथ चंद्रबिंदु लगानी है। तो वो शब्द भले ही ये पांच शब्द जो असाइनमेंट में दिए हैं वो हो या उसके अलावा कोई और हो, तितली तितलियां, बकरी बकरियां, इस तरीके से आपको कोई और भी शब्द अगर दिए जाएंगे तो इस नियम के अनुसार आपको वो बदलना आना चाहिए। और वो कैसे आएगा? अभ्यास, प्रैक्टिस से। तो ये असाइनमेंट आपको पूरा आंसर के साथ दिया गया है, तो आपको पढ़ना है, लिखना है, याद करना है और वचन वाले शब्दों की प्रैक्टिस कुछ और शब्दों के साथ भी करनी है, ठीक है? तो घर पे पढ़िएगा, पूरे समय खेलना नहीं है, समय का सदुपयोग करो बेटा, अपनी सेहत का ध्यान रखो। अगले सॉल्यूशन के साथ, अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।